हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इसमें हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। दोस्तों, पूरे साल हम अकाउंट्स की अलग अलग इंट्रीज़ करते हैं, जैसे सामान परचेज़ करना, उसे कस्टमर को सेल करना, अलग अलग एक्सपेंसेस को पेड करना। इस तरह की और भी बहुत सी इंट्रीज़ होती हैं जो हम अपने बिजनेस या कंपनी में लगातार करते रहते हैं, और एक साल ख़त्म होने पर यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसे हम क्यों बनाते हैं? तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बेसिक स्टेटमेंट आते हैं जिसे हम यहाँ समझेंगे। इसमें पहला होता है इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसे हम इसलिए बनाते हैं कि बिजनेस में कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, पूरे साल में कितने खर्चे हुए और इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंडर हम ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इससे यह पता चलता है कि बिजनेस में कितनी असेट्स मौजूद हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं जिनको हमें अभी पे करना है, हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, इन सब की जानकारी हमें इस बैलेंस शीट से मिलती है। इसके बाद मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की दोनों की अलग अलग वीडियोस बनाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए दोस्तों, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक डिफिनीशन देखते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट, एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिंदी में हम वित्तीय विवरण कहते हैं। यह किसी भी बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी समरी प्रोवाइड करते हैं। इससे हम एक ही जगह पर सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। इसमें जो बैलेंस शीट होती है वह एक फिक्स डेट पर उस बिजनेस के पास कितनी असेट्स यानी कि संपत्तियाँ हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ यानी दायित्व हैं, कैपिटल यानी पूंजी कितनी है, यह सब हमें पता चलता है। और जो इनकम स्टेटमेंट होता है यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम अपनी परचेज, सेल और सारे खर्चों को बांटते हैं जिससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसके बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या क्यों बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वित्तीय विवरण बनाने का पहला उद्देश्य तो यही होता है कि इससे किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी मिलती है कि बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, यानी बिजनेस कैसा चल रहा है, उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन। वित्तीय विवरण बनाने का दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, वह कैसा वर्क कर रहा है, ग्रो कर रहा है या नहीं, बिजनेस की असेट्स कितनी हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी कैपिटल के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, बस यह छोटी सी वीडियो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और उसके बाद की वीडियो में हम समझेंगे कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं।
तो आगे की दो वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स या फिर और भी बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।